यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। निजामाबाद तहसील के एसडीएम से भाजपा नेताओं की मारपीट। आजमगढ़ पंचायत भवन की जगह को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष ऋषिकांत राय सहित कार्यकर्ताओं और एसडीएम निजामाबाद रवि कुमार तथा तहसीलदार राजू कुमार से हुई जमकर मारपीट। कई थाने की फोर्स और पीएसी ने संभाला मोर्चा, तब जाकर मामला हुआ शांत। जानकारी के मुताबिक आज शनिवार को अपराहन लगभग 3 बजे निजामाबाद तहसील में लगभग 20 की संख्या में भाजपा के पदाधिकारी उप जिलाधिकारी निजामाबाद रवि कुमार के चैम्बर में पहुंचे, जहां तहसीलदार राजू कुमार भी पहले से ही मौजूद थे। यह लोग अल्लीपुर गाँव में पंचायत भवन के प्रकरण को लेकर अधिकारियों से अपनी शिकायत कर रहे थे। इसी बात को लेकर चेंबर के अंदर ही झड़प हो गई, जो कि धक्का मुक्की मारपीट में तब्दील हो गई, जिसमें तहसील हाल में रखी सैकड़ों कुर्सियां टूट गई। एसडीएम निजामाबाद और तहसीलदार को भी लोगों ने काफी मारा पीटा गया। मारपीट की घटना से नाराज भाजपा पदाधिकारियों ने एसडीएम चेंबर के बाहर जिला अध्यक्ष ऋषिकांत राय के नेतृत्व में धरने पर बैठ गए। सूचना पर पहुंचे अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अमित कुमार मिश्रा, उप जिलाधिकारी के चेंबर में भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सहजानंद राय, जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय, उपाध्यक्ष शेर बहादुर सिंह के साथ वार्ता करने के लिए बैठे। वहीं बाहर भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए थे। इसी बीच एक लेखपाल द्वारा नारेबाजी करने से उत्तेजित भाजपा कार्यकर्ता मारपीट पर उतारू हो गए। किसी तरह भाजपा पदाधिकारियों एवं प्रशासन ने एक दूसरे को समझाकर मामले को शांत कराया। सूचना पर कई थानों की फोर्स तथा पीएसी के जवान मौके पर पहुंच गए। इधर भाजपा पदाधिकारी भाजपा कार्यालय पर पहुंचकर बैठक कर रहे थे, उधर तहसील प्रांगण में उप जिलाधिकारी के चेंबर में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हो रही थी, तो तहसील सभागार में लेखपाल संघ की भी बैठक हो रही थी। लेखपाल संघ के स्थानीय अध्यक्ष विक्रांत सिंह ने कहा कि अराजक तत्वों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए तथा तहसील परिसर में निजामाबाद की एक पुलिस चौकी की एक शाखा बनाई जाए। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी उक्त दोनों मांगे नहीं मांगी जाएंगी, हम लोग सभी प्रशासनिक कार्य बंद कर पूरे जिले के लेखपाल संघ हड़ताल पर चले जाएंगे। वहीं अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार मिश्र ने बताया कि अलीपुर गांव में गाटा संख्या 9293 जिसका मुकदमा दीवानी न्यायालय में चल रहा है, उसका स्थगनादेश समाप्त हो चुका है। वहीं ग्राम प्रधान हाईकोर्ट के आदेश पर निर्माण करना चाहता है, जिसका गांव के एक भाजपा नेता विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा है आज जो कुछ भी हुआ है उसकी जांच कर न्यायोचित कार्यवाही की जाएगी। आजमगढ़ से पद्माकर पाठक की खास रिपोर्ट। ये छड़ी को गिरा भाई, इनके वायरल है।
को लेकर चला जाऊंगा। आज इसको बहुत नशा है, मैं जानता हूँ कि तुम चिंतक नहीं हो, तुम लोग बहुत ताव चढ़ा रहे हो ना, ग्राउंड में घुस जाएगा। बैठाइए बैठाइए।